हाय फ्रेंड्स, ये कैनन का 2870 मॉडल है। देखिए, ये आपका कैनन का 2870 मॉडल है। तो ये आपका मल्टीपल स्कैनिंग और कॉपी प्रिंट स्कैन वाला मशीन होता है। और इसका आपका टू ट्रे, देखिए यहाँ पे टू ट्रे देता है, और चाहे तो आप एक्स्ट्रा ट्रे भी नीचे लगा सकते हैं, और साइड में एक बाईपास भी देता है जो कि थ्री साइज का पेपर चलवाने के लिए। और ये ADF देता है तो आपका ऑटोमेटिक डुप्लेक्स होने के लिए, इसमें एक ADF भी देता है कंपनी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मशीन, इस टाइप का मशीन जो आता है 28 स्पीड में आता है, 32 स्पीड में आता है, 30 स्पीड में आता है, 22 स्पीड में आता है, ठीक है। और इसका ओवरव्यू में आप मल्टीपली आप पाएंगे एट ए टाइमली 999 कॉपी जेरोक्स कर सकते हैं इसमें एक साथ में, और एक साथ में एक ही ट्रे में, ये जो ट्रे होता है एक ट्रे में आप 500 पेजेस रख सकते हैं एक साथ में। बेसिकली ये बहुत जबरदस्त मशीन है, कम खर्च में हैवी ड्यूटी करने के लिए मशीन। ये आपका कॉपी प्रिंट स्कैन है, आप कंप्यूटर थ्रू से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, इसको थ्रू USB से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे दो दिया हुआ है, एक USB पोर्ट दिया हुआ है, एक LAN पोर्ट दिया हुआ है, दोनों से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, बस ड्राइवर इंस्टॉल करना है आपको। बहुत, और इसका ज्यादातर हाफ के जी टोनर पे आपको लगभग 10,000, हाफ के जी टोनर आपको 300 रुपए में, अच्छे क्वालिटी का अगर टोनर डालेंगे 300-350 रुपए के टोनर में 10,000 कॉपी अप्रोक्सीमेटली ये चल जाता है। और इसका ये बेसिकली ओवरव्यू है। तो ये होता है मशीन ऑन करने के बाद में, ये आपका ऑप्शन आता है, ये आपका पेपर सिलेक्ट होता है जो कि आप कौन से ट्रे से मशीन ट्रे पेपर चलाना चाहते हैं, तो उसका हैगा। तो उसके बाद में यहाँ पे आप देख, ये आपका कॉपी फंक्शन है, यहाँ पे सेंड भी कर सकते हैं आप मेल बॉक्स पे आपका जो दिया होता है, तो ये मेल बॉक्स में आप स्कैन करके कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप कभी कभार आप निकाल सकते हैं बिना किसी को डॉक्यूमेंट डाले। इसके अंदर में आपको देखिए, इसके अंदर में आप यहाँ जाके सेव करके रख सकते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये भी है स्कैन, आपको थ्रू LAN केबल थ्रू आप ऑनलाइन करके, यहाँ पे देखिए ऑफलाइन है, आप इसको ऑनलाइन करके भी स्कैन कर सकते हैं। तो अभी कॉपी में जाएंगे हम, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हो गया पेपर सिलेक्ट का, ठीक है। ये पेपर सिलेक्ट आप कहाँ से करना है, तो ये हो गया कॉपी रेशियो। तो आपको जो छोटा बड़ा कॉपी करना है जूम के बारे में, तो ये उस टाइप का हो गया। तो ये आ गया आपका फिनिशर, जो कि आपका सेट हिसाब से कॉपी करना है, जो आपका मल्टीपल सेटिंग करके आना है। जैसे कि आपके पास एक तो बुक है जिसका 10 या 15 पेज सेट है, उसको 50-100 पेज आपको सेट करना है, तो आपको इस सेटिंग पे आपको करना है। और ये हो गया आपका टू साइड ऑप्शन, ये टू साइड में आप जो 1/2 अगर हो तो ऑप्शन आप यहाँ प्लैटन से स्कैन कर सकते हैं, ये कि जो कि ग्लास कहते हैं इसको। और यहाँ पे और एक भी दो ऑप्शन आता है इसका, 2/2 साइडेड और 2/1 साइडेड आता है, जो कि अभी इसका कुछ खराबी की वजह से ये नहीं है दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ADF चलाने से ये आपका टू साइडेड इसका आता है। अगर सिंगल साइड चलाना है तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट रख के आपको चला लेंगे, लेकिन टू साइड अगर चलाना है तो आपको टू साइड इसमें करना है, टू साइड सेटिंग कर करना है। और ये आपका मैंने दो की क्रिएट किया हुआ है, एक आधार जो कि इसी तरीके का आपका जेरोक्स हो सकेगा एक साथ में आपको वन क्लिक पे। और ये एक तो ID क्रिएट किया है जो कि छोटा ID होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस टाइप का, तो वो इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका डेंसिटी, आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से डेंसिटी कमा बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका कमा बड़ा है, बाकी ऑटो में रहता है हमेशा। और ये आपका फोटो और टेक्स्ट मोड जो होता है, फोटो टेक्स्ट मोड, ये सारा इसमें आता है। और ये आपका स्पेशल फीचर जो कि सेटिंग्स के बारे में बताता है, ऐसा स्पेशल फीचर, इसमें भी आप बहुत कुछ सेटिंग पाएंगे। सिर्फ देखिए यहाँ पे कवर पाएंगे, तो आप डिफरेंट साइज, इमेज कॉम्बिनेशन, सेटिंग, शिफ्टिंग सब मिलेगा आपको। और दूसरे में यह आ गया कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, तो हो गया रीसेट बटन, जो कि आपको होम पोजिशन रीसेट लाना है। तो हेल्प तो आपको अगर कुछ चाहिए तो इसमें आप देख के भी कर सकते हैं। ये होता है एडिशनल फंक्शन, इसमें बहुत कुछ हम कॉमन सेटिंग है, टाइमिंग सेटिंग कर सकते हैं, एडजस्टमेंट क्लीनिंग, रिपोर्ट सेटिंग, ये सारा कुछ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्ले कॉन्स्टेंट है अप डाउन होने के लिए, ठीक है। और ये कीबोर्ड की बटन है 1 2 3 4 5 6, ठीक
है। और ये यहाँ पे कैंसिल बटन है, ठीक। ये हो गया स्टार्ट बटन और ये स्टॉप बटन, ये आपका जिसे बोलते हैं स्लीप मोड का बटन, इसको ऑफ ऑन करने के लिए होता है स्लीप मोड का बटन। और ये हो गया आपका काउंटर चेक, कितना कॉपी हुआ अभी, आप चेक करने के लिए इस बटन का आप यूज कर सकते हैं, जो कि चेक काउंटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका टोनर बॉटल, तो आपको इसको टोनर अगर चेंज करना हो तो टोनर बॉटल इसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर आपका पेपर जाम हो जाए मशीन में, ठीक है, हो जाए मशीन में, तो आपको यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है, इसको ओपन करना है। ये सारा कुछ इसके अंदर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका पेपर कहीं भी फंसा हो तो आप देख के निकाल सकते हैं। और ये हो गया आपका ट्रे से जो पिक करता है पेपर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कभी कभी रुकता है इसके अंदर, तो सारा कुछ इसके अंदर में आप सेटिंग्स पा जाएंगे। बेसिकली बहुत अच्छा मशीन है, पर डे 5 से 6 हजार कॉपी आपका चल जाता है इसमें, और दो ट्रे देता है कंपनी, और बाकी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा दो ट्रे लगा सकते हैं। और ये एक ADF देता है, जैसे कि इसमें ऑटोमेटिकली डुप्लेक्स पेपर आप रख के चला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी इसका सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन इतना ही होता है। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें लिंक में जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उसको आपका जो होगा हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।